हाई एवरी वन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माई नेम इज अपूर्वा एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं सबलिमिनल्स के बारे में। सबलिमिनल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं एंड आप अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सबलिमिनल। तो लेट मी शेयर समथिंग। मैं 2019 में एक अपने प्रीवियस लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैनल पे इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था, बात की थी कि कैसे मैंने अपना इंटरव्यू क्रैक किया विद द हेल्प ऑफ सबलिमिनल एंड काफ़ी चीज़ें मैंने उसमें बताई थी। तो मुझे वो वीडियो मैंने बहुत ही मज़े में बनाई थी। आई वॉज डैम एक्साइटेड एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर अबाउट इट। तो फाइनली जब मैंने उसको अपलोड किया एंड कुछ मंथ्स बाद मैंने वापस से अपना चैनल देखा एंड आई सॉ दैट सो मेनी पीपल वर देयर जो कि इस टॉपिक के बारे में और चीज़ें यू नो उसके बारे में क्वेश्चंस कर रहे थे। देन आई रियलाइज कि आई थिंक काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं। तो सबलिमिनल्स जो है मैं आज से यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हुई हैं एंड सबलिमिनल एक्चुअली वर्क्स। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस टॉपिक। बेसिकली क्या होता है कि हमारे माइंड के तीन लेयर्स होते हैं या फिर तीन टाइप के माइंड होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस के बारे में। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो काफ़ी लॉजिकल होता है, ठीक है, जो भी उसको चीज़ दिखती है वो ऐसे ही एक्ट करता है। अगर मैं अपने आप को ये चीज़ बोलूँगी कि मेरे बॉय कट बाल हैं, मेरे काफ़ी शॉर्ट बाल हैं, तो जो कॉन्शियस माइंड है उसको साफ दिख रहा है कि मेरे यू नो बॉय कट नहीं है बाल। सो इन दैट केस मेरा कॉन्शियस माइंड एकदम से वहाँ पे क्वेश्चन करेगा, दिस इज नॉट रियल, ऐसे क्यों बोल रही हो, दिस इज नॉट रियल। वो इंस्टेंटली क्वेश्चन करेगा। क्वेश्चनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब चीज़ें हमारे कॉन्शियस माइंड में आती हैं। अब नेक्स्ट है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशन में। सबकॉन्शियस माइंड में हर एक चीज़ रिकॉर्ड होती है। अगर आप सो रहे होंगे, जाग रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में हर एक छोटी से छोटी डिटेल रहती है। सपोज करें मैं कोई चीज़ रख के भूल गई हूँ, मुझे कॉन्शियसली वो चीज़ अब याद नहीं आ रही है, बट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ है। मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि वो चीज़ कहाँ है। तो सबकॉन्शियस माइंड हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ को रिकॉर्ड करता है। अगर मैं सो भी रही होंगी और मेरे पीछे कुछ म्यूजिक चल रहा है, मेरे पीछे कोई यू नो गाना चल रहा है, तो मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस चीज़ को भी रिकॉर्ड कर लेगा। सबकॉन्शियस माइंड कभी भी सवाल नहीं करता है, वो सिर्फ चीज़ें लेता है, वो सिर्फ चीज़ें सेव करता रहता है। एंड कॉन्शियस माइंड है वो क्वेश्चनिंग, लॉजिकल, कि ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों है, उस टाइप का होता है। तो अब यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, सबकॉन्शियस माइंड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में डिफरेंस करना नहीं जानता है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड ने कोई चीज़ मान ली, एक्सेप्ट कर ली, तो वो चीज़ आपकी रियलिटी में आना स्टार्ट हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव दिलाना, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो गया तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगी। इन शॉर्ट अगर मैं खुद को बोलूँ कि मेरे पास एक कार है एंड मैं इस कार में जाती हूँ, मैं रोज़ अपने ऑफिस जाती हूँ, मैं रोज़ उस कार से यू नो शाम के टाइम जिम जाती हूँ, अगर इन सब बातों से मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव दिलवा दूँ, क्या होगा, वो सबकॉन्शियस माइंड का थॉट इतना पावरफुल होगा कि मेरे सामने उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें आने स्टार्ट हो जाएंगी एंड धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज आएंगी। एंड एक दिन ऐसा आएगा मेरी लाइफ में कि मैं उस कार में जो मैं चीज़ सोचती थी, मैं उस कार में डेली ऑफिस जाया करूँगी, जिम जाया करूँगी, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में ऐसा है, ऐसा रियल है। तो अभी बात करते हैं सबलिमिनल की। सबलिमिनल बेसिकली क्या करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में हेल्प करता है आपकी विश के अकॉर्डिंग। अब बेसिकली सबलिमिनल में क्या होता है, सबलिमिनल में एक म्यूजिक होता है, ठीक है, उसके पीछे एफर्मेशंस होती हैं बैकग्राउंड में। हम कॉन्शियसली अगर समझने की कोशिश करें तो हमें समझ नहीं आएगा, ठीक है, बट उसमें एफर्मेशंस होती हैं। सपोज मैं अपनी स्किन के लिए सबलिमिनल सुन रही हूँ, उस सबलिमिनल की एफर्मेशंस कुछ ऐसी होंगी कि माई स्किन इज क्लियर, माई स्किन इज ब्यूटिफुल, माई स्किन इज हेल्दी, माई स्किन इज ग्लोइंग। प्रेजेंट टेंस में है, ध्यान देना। अब मैं ऐसे एफर्मेशंस बोलूंगी तो मुझे काफ़ी डेज लग जाएंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में, क्योंकि मेरा यह कॉन्शियस माइंड हमेशा क्वेश्चंस करेगा कि ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट रियल, एंड वो उस बात को सबकॉन्शियस तक जाने ही नहीं देगा, ठीक है। तो सबलिमिनल में क्या होगा, म्यूजिक है, उसके पीछे एफर्मेशंस है प्रेजेंट टेंस में, बट वो मैं कॉन्शियसली समझ नहीं पा रही हूँ, तो वो जो एफर्मेशंस है वो डायरेक्टली बाईपास होके मेरे कॉन्शियस माइंड से डायरेक्टली वो सबकॉन्शियस में जाएंगी। एंड अगर सबकॉन्शियस माइंड किसी एक बात को लेके रीप्रोग्राम हो गया, वहां रियलिटी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम कॉन्शियस माइंड को बेवकूफ बना के, उसको बुद्धू बना के हम लोग सबकॉन्शियस माइंड में जंप करते हैं, जिससे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस बात को लेकर रीप्रोग्राम हो जाए। तो सबलिमिनल बेसिकली
बेसिकली क्या होते हैं कि एक म्यूजिक होता है, उसके पीछे एफर्मेशंस होती हैं, एंड वो एफर्मेशंस जो होती हैं हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं समझ पाता है, सबकॉन्शियस माइंड डेफिनेटली उसको समझ पाता है, एंड वो एफर्मेशंस हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड से जंप करके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती हैं, एंड जैसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी बात को लेकर रिप्रोग्राम होता है तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में, हमारी रियलिटी में आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब बात करते हैं ना यूज कैसे करना है, कैसे यूज करें, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, मैंने पूरी एक लिस्ट दे रखी है जिनको मैं सुनती हूँ, मैं उसकी वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने अपने फेवरेट 13 सबलिमिनल चैनल्स के नाम उस लिस्ट में बताए हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो देख सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, अपनी विश के अकॉर्डिंग जो भी सबलिमिनल है आप उसे चूज करें। सपोज आपका हाइट का इशू है, या फिर आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, या फिर आपके स्किन का इशूज है, सबलिमिनल आपको छोटे से छोटे बड़े से बड़े टॉपिक पे अवेलेबल हो जाएंगी यूट्यूब पे। सिंपली आपको सर्च करना है, उसके बाद कान में आपको लगाने हैं अपने हेडफोन्स एंड आपको सुनना स्टार्ट कर देना है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि हम सबलिमिनल के साथ विजुलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विजुलाइजेशन करो, विजुलाइज करो अपनी विश को। अगर आप क्लियर स्किन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो जस्ट विजुलाइज कि आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लीन है। अगर आपका सवाल है कि इसे कब तक यूज करना है, कब तक सुन सकते हैं, तो लेट मी शो समथिंग, 2 मंथ मिनिमम है एंड 11 मंथ्स मैक्स। अगर आप परमानेंट रिजल्ट्स चाहते हैं तो कम से कम एक सबलिमिनल को आप 11 मंथ्स तक सुने, उसको डेली सुनना है, कोई गैप नहीं। आपको लिटरली कुछ नहीं करना है, सिर्फ कान में हेडफोन्स लगाने या फिर ईयरफोन्स लगाने हैं एंड दैट इज इट। अगर आपका सवाल कुछ ऐसा है कि क्या हम बिना हेडफोन्स के सबलिमिनल सुन सकते हैं, तो इसका आंसर येस भी है, नो भी है। देखिए, हेडफोन्स की रिक्वायरमेंट हमें तब पड़ती है जब उस सबलिमिनल में बाइनरल बीट्स हो। अगर उसमें कोई बाइनरल बीट नहीं है तो आप इसे बिना हेडफोन्स के भी सुन सकते हैं। बाइनरल बीट्स में क्या होता है, आपको हेडफोन्स लगाने होते हैं, इसमें से एक कान में आपकी अलग फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक होता है, दूसरे कान में अलग फ्रीक्वेंसी का। उसके बाद आपको जो ब्रेन है वो इस फ्रीक्वेंसी को लेके, इस फ्रीक्वेंसी को लेके मर्ज करके अलग ही फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है, इसको हम बाइनरल बीट बोलते हैं। अगर आप इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इस टॉपिक के ऊपर पूरी की पूरी डिटेल वीडियो अपलोड कर रखी है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर उसमें बाइनरल बीट्स नहीं है तो आप बिना हेडफोन्स के सुन सकते हैं। अगर बाइनरल बीट्स है तो डेफिनेटली मैंडेटरी है कि आपके पास स्टीरियो हेडफोन्स होने चाहिए, मोनो ना हो। स्टीरियो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अलग अलग कानों में अलग अलग आवाज जा सके, बट स्टीरियो में अगर डिफरेंट डिफरेंट कान में डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जाएगी तभी आपका जो ब्रेन है वो एक अलग हर्ट्ज क्रिएट करेगा। अगर आपने कुछ सबलिमिनल को नोटिस किया होगा, उनके डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि इसमें ये बाइनरल बीट है, ठीक है, तो ये वही चीज है, इसमें आपको हेडफोन्स या फिर ईयर प्लग्स या फिर ईयरफोन्स की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। अगर बात करें वॉल्यूम कितनी रखनी है, वॉल्यूम आप लो रख सकते हैं जितना आपका ब्रेन कंफर्टेबल हो, इट्स नॉट कि आपको बिल्कुल हाई वॉल्यूम में सुनना है। जिस लेवल पे आपका जो ब्रेन है वो कंफर्टेबल हो, आपके हेडेक ना हो, उस लेवल पे आपको ये सुनना है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम डिफरेंट सबलिमिनल एक विश के लिए सुन सकते हैं, जैसे कि सपोज हेयर मेरी विश है कि मेरे हेयर जो है वो सही हो जाए या फिर जो डैंड्रफ है वो खत्म हो जाए, तो उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल से कुछ डिफरेंट डिफरेंट सबलिमिनल्स को पिक करूंगी एंड इसके बाद मैं इसकी प्लेलिस्ट बनाऊंगी। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं, तो आंसर है यस, क्योंकि मैं पर्सनली खुद ऐसा करती हूँ, बट कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं करना पसंद करते, तो मे बी उनके ओपिनियन इस चीज पे डिफरेंट हो, बट डेफिनेटली इट वर्क फॉर मी, सो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या हम डाउनलोड कर सकते हैं सबलिमिनल को। सो मेरा कुछ बहुत ही डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है एंड हो सकता है कि औरों का डिफरेंट हो इस चीज में। मैंने एक चैनल के नीचे कॉमेंट किया था, आई जस्ट आस्क्ड हिम कि क्या हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस सबलिमिनल को, ठीक है, तो ही सेड कि नो यू कैन नॉट। एंड उसके बाद फिर मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया, मैंने 2-3 सबलिमिनल्स को यू नो डाउनलोड करके सुनने की कोशिश की, इवन सुना। सो लेट मी शेयर समथिंग, मुझे एग्जैक्ट वही रिजल्ट्स मिले जो अगर मैं ऑनलाइन सुनती, मैं वाईफाई पे लगा के सुनती, मैंने ऑफलाइन सुने तो इट डिड वर्क फॉर मी। डायरेक्टली आपको बोलूंगी कि आप हाई क्वालिटी में उसको डाउनलोड करें पर्सनली एंड उसको अपने फोन में सेव कर लें, अपनी गैलरी में सेव कर लें, बट स्टिल बिफोर गोइंग विद द सजेशन आई विल सजेस्ट यू कि डू योर ओन रिसर्च, बिकॉज कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं इट इज नॉट गुड एंड कुछ लोग बोलते हैं कि इट वर्क्स। फॉर मी इट वर्क्ड, बट स्टिल आई सजेस्ट यू गो अहेड एंड डू योर रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर दे हार्मफुल, आंसर इज अ बिग नो बिकॉज मैं इन्हें काफी सालों से सुन रही हूँ, बट स्टिल कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने होते हैं अगर आप किसी हैवी मशीनरी पे काम कर रहे हैं। डोंट लिसन
these subliminals or binaural beats, ठीक है? या फिर आप travel कर रहे हैं, don't do it. And one more thing, ज़्यादा high volume में मत सुनो अगर आप subliminal के साथ start कर रहे हैं. And कम time से start करें, एकदम से अपने mind को, ears को बिल्कुल pressure नहीं देना है. So start करें धीरे-धीरे, कम time से start करें, 10 minutes सुन लिए, 15 minutes सुन लिए, उसके बाद धीरे-धीरे time को increase करते रहे, तो वो थोड़ा और better होगा. Question is one wish at a time. So I will recommend you कि ये मेरा खुद का personal experience है. मैं जब भी किसी एक wish को लेके लग के किसी के ऊपर subliminal सुनती हूँ daily, उसी को बार-बार सुनती हूँ, तो उसके जो results होते हैं वो काफी better होते हैं instead कि मैं daily सुबह में कुछ और सुन रही हूँ, शाम को मैं कुछ और सुन रही हूँ, दोपहर में कुछ और सुन रही हूँ, तो वो मुझे कुछ खास मेरे लिए it didn't work for me. But कुछ लोग हैं जिनके लिए काम करता है, but it definitely didn't work for me. So मैं जब भी subliminal सुनती हूँ, मैं हमेशा एक time पे एक subliminal सुनती हूँ. एंड मैं सबको पर्सनली यही सजेस्ट करती हूँ कि आप एक टाइम पे एक सबलिमिनल के साथ काम करें, नॉट लाइक कि ये भी सुन ले, ये भी सुन ले, ये भी सुन ले, सारी विशेस आज ही मैनिफेस्ट हो जाए, तो जस्ट डोंट डू दैट. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रीड की वजह से ना, जो चीज़ एक्चुअली में अगर एक भी चीज़ आनी होती है वो भी नहीं आती है. सबलिमिनल बेसिकली आप किसी भी टाइप के विश के साथ सुन सकते हैं, ऐसा कोई इसमें रूल नहीं है, नहीं आपको इसके साथ ही सबलिमिनल नहीं सुनने हैं. सबलिमिनल एक ऐसी चीज है, अगर आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक कर रहे हैं, 555 टेक्निक कर रहे हैं, 369 टेक्निक कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप सबलिमिनल को सुन सकते हैं, इसको अपनी रूटीन का पार्ट बना सकते हैं. सबलिमिनल कोई हार्म नहीं है, बट थोड़े बहुत जो प्रिकॉशंस हैं वो थोड़े ध्यान दीजिए. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जब भी आप सबलिमिनल सुनते हैं, खूब सारा पानी पीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, ठीक है? तो ये आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए. मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय. थैंक यू.